सभा का सत्र बुलाने पर सीएम और राज्यपाल आमने सामने। राज्यपाल ने सत्र की मांग को ठुकराया। राजस्थान में सत्र बुलाने की मांग नहीं माने जाने के बाद कांग्रेस विधायक गहलोत की अगुवाई में राज्यपाल से मिलने गए। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट को बड़ी राहत देते हुए मौजूदा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने केंद्र को भी मामले में एक पक्ष बनाने की सचिन पायलट की याचिका को स्वीकार कर लिया। राजस्थान के सियासी संकट के बीच कांग्रेस नेता अजय माकन ने विधानसभा में बहुमत का दावा किया। सचिन पायलट को हटाकर गोविंद सिंह को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने वाली चिट्ठी जारी कर दी गई। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री गहलोत पर झूठी राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में विधायकों के होटल में फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत पर तंज कसा। कानपुर में एक लैब टेक्नीशियन की अगवा करके हत्या कर दी गई और इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में लैब टेक्नीशियन की हत्या के बाद प्रियंका गांधी ने यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कानपुर में लैब टेक्नीशियन की हत्या पर एसपी ने पुलिस और अपराधियों के बीच संबंध होने का आरोप लगाया। कानपुर में लैब टेक्नीशियन की हत्या से सीएम योगी नाराज हो गए, जिसके बाद 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या केस में विजयनगर थाने के एसएचओ को निलंबित किया गया। चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों में विधानसभा और लोकसभा की 57 सीटों पर उपचुनाव कराने का फैसला किया। कोरोना के संकट के बीच पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, लेकिन दर्शकों की संख्या काफी कम रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी की आधिकारिक वेबसाइट नए रूप में 22 भारतीय भाषाओं समेत 28 भाषाओं में आएगी। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 12,87,000 के पार पहुंच गई। अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर से भस्म और मिट्टी लाई जाएगी। अयोध्या के विवादित ढांचा मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज किए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर विपक्षी सरकारों को गिराने का आरोप लगाया। भारतीय चीनी विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच WMCC की बैठक जारी। दुनिया में 24 घंटे में कोरोना के 2,75,000 नए केस सामने आए। बाद में दुनिया के कोरोना के मरीजों की संख्या कुल मिलाकर 1,56,00,000 से ज्यादा दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एडवाइजरी जारी कर टिड्डी दल के बड़े हमले की आशंका जताई। आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यात्रियों को बेहतर टिकट बुकिंग की सुविधा देने के लिए IRCTC की वेबसाइट में खास बदलाव किए जा रहे हैं। असम और बिहार में बाढ़ और कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राहत सामग्री भेजी। कश्मीर में आतंकी संगठनों ने नई साजिश के तहत महिला आतंकियों से मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी है। प्रशांत भूषण अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 4 अगस्त को सुनवाई करेगा। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का रास्ता साफ हो गया। इलाहाबाद HC ने भूमि पूजन पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। राजनाथ सिंह ने इजराइल के रक्षा मंत्री से फोन पर बात की, जिसमें कोरोना संकट और रक्षा सहयोग पर बात हुई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कोरोना के बाद अब चीन मुद्दे पर सरकार ने उनकी सलाह नहीं मानी। दिल्ली एम्स में 30 लोगों को कोरोना के वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। यूपी के 5 शहरों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें लखनऊ, झांसी, गाजियाबाद, कानपुर नगर और प्रयागराज शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद शराब की सभी दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि बेघर मानसिक बीमार लोगों का कोरोना टेस्ट स्वास्थ्य मंत्रालय करवाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की। SP सांसद आजम खान को आज यूपी के मुरादाबाद की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। दक्षिणी दिल्ली के कोविड केयर सेंटर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी कोरोना की चपेट में आने के बाद होम क्वारंटीन हो गए। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में सरकार से धार्मिक स्थल खोलने की मांग उठी।
यूपी के प्रयागराज में कोरोना से बचने के लिए मुनादी करवाकर लोगों को घर में ही रहने और नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। यूपी एसटीएफ ने कानपुर गोलीकांड में फरार आरोपी और विकास दुबे के करीबी शिवम दुबे को चौबेपुर से गिरफ्तार किया। कानपुर मुठभेड़ मामले में बिल्लौर से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद ने डीजीपी ऑफिस पर सवाल उठाया और दावा किया कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई होती तो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या न होती। यूपी बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के लिए इंग्लिश की किताबों में बदलाव करते हुए विदेशी लेखकों की जगह भारतीय लेखकों को जगह देने का फैसला किया। पटना में जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव की कोरोना से मौत हो गई। भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से 4 अगस्त तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एमपी में त्योहार पर लॉकडाउन में राहत देने की मांग का समर्थन किया। एमपी के उज्जैन में मास्क न लगाने पर सीधे अस्थायी जेल भेजने का नियम लागू किया गया। बिहार के एक इलाके में कोसी नदी में कटाव की वजह से एक हाईस्कूल नदी में समा गया। कानपुर में अगवा करने के बाद हुई हत्या के मामले में लोगों ने मेयर के खिलाफ प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की वजह से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव फिर 3 महीने के लिए टाल दिया। मध्य प्रदेश के रीवा में एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। बिहार के पूर्वी चंपारण में बाढ़ से परेशान लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के खतरे के बीच गंभीर रूप से जूझ रही महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को घर से काम करने की इजाजत दी। खबर है कि महाराष्ट्र सरकार पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण का मंत्रालय छोटा कर सकती है, जिसके बाद से अशोक चव्हाण की नाराजगी की खबर है। असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 दर्ज की गई। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 दिनों के लिए 25 और 26 जुलाई को वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। हैदराबाद एनकाउंटर मामले में जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य दिवस समारोह के लिए एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें सरकारी दफ्तरों को भीड़ से बचने और तकनीक के इस्तेमाल की सलाह दी गई। महाराष्ट्र के पालघर में देर रात भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.1 बताई गई। पंजाब में अकाली दल के विधायक लखबीर सिंह और उनके बेटे को कोरोना हो गया। मुंबई के धारावी में सबसे बड़ा प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाने का दावा। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल की रैली कोरोना के खतरे को देखते हुए रद्द कर दी गई। कोलकाता में बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। बिहार में रेलवे पुल पर बाढ़ का पानी आने से दरभंगा मधुबनी के बीच रेल सेवा बंद कर दी गई। मुंबई में कोरोना पीड़ित महिला के अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ जुटने के बाद बीएमसी पर सवाल उठे। म्यूजिशियन आनंद शंकर की मां और मशहूर डांसर अमला शंकर का 101 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। भीषण बाढ़ से असम के 25 जिलों में लगभग 27 लाख लोग प्रभावित हुए और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 93 हो गई। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। केरल कैबिनेट ने कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से विधानसभा सत्र रद्द करने का फैसला किया, जो सोमवार से शुरू होना था। गुजरात के तापी में किसानों ने दूध गिराकर अपना विरोध जताया। आरोप है कि डेयरी मालिकों ने सही दूध न मिलने पर किसानों से दूध लेने से इनकार कर दिया था। पंजाब में कोरोना नियम तोड़ने पर 5,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। कोरोना की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में होने वाले रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन को रद्द कर दिया। चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिका को चंगदू का वाणिज्य दूतावास बंद करने को कहा। सीरिया में पैसेंजर प्लेन और फाइटर जेट हवा में करीब आ गए, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया। नासा ने अलर्ट जारी किया कि एक उल्का पिंड 48,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के बेहद पास से होकर गुजरेगा। ब्राजील में 48 घंटों में 1,27,000 नए मरीज सामने आए। एलएसी और हांगकांग के मामले पर भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के रुख पर चीनी राजदूत ने एतराज जताया। केंद्र सरकार ने जनरल फाइनेंशियल रूल यानी GFR 2017 में बदलाव किया, जिसके बाद चीन की कंपनियां सरकारी टेंडर में आसानी से हिस्सा नहीं ले पाएंगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में इमरान सरकार ने 200 साल पुराने गुरुद्वारे को 73 साल बाद सिख समुदाय को सौंप दिया। ब्रिटेन में दुकानों पर मास्क नहीं पहनने पर 9,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ह्यूस्टन के जिस चीनी वाणिज्य दूतावास को अमेरिका ने बंद करने के लिए कहा, वहां आग लग गई, जिससे कई दस्तावेज जल गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 14 लाख करोड़ हो गया।
व्हाट्सएप अब भारत में लोन, बीमा और पेंशन जैसी सुविधा शुरू करने की तैयारी में जुट गया है, जिसके लिए वो बैंक और फाइनेंशियल कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगा। मुक्केबाजी में हैवीवेट चैंपियन रहे माइक टायसन ने 54 साल की उम्र में वापसी का ऐलान कर दिया। टायसन 12 सितंबर को मुकाबला करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 19 सितंबर से UAE में आयोजित होगा और इसका फाइनल 8 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने BCCI पर IPL आयोजित करने के लिए T20 वर्ल्ड कप रद्द कराने का आरोप लगाया। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और आखिरी टेस्ट मैनचेस्टर में आज से खेला जाएगा। सरकार खेल पुरस्कारों पर जल्द नियमों में बदलाव कर सकती है, जिसके बाद इस साल की तरह एथलीट हर बार अपना नामांकन खुद खेल मंत्रालय को भेज सकेंगे। बांग्लादेश टेस्ट मैच खेलने के लिए अक्टूबर में श्रीलंका का दौरा कर सकती है। भारतीय ओलंपिक संघ ने अगले साल टोक्यो ओलंपिक्स खेलों का आयोजन होने की उम्मीद जताई। ICC ने कोरोना की वजह से क्रिकेट विश्व कप और अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की क्वालिफायर सीरीज टाल दी। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आज शाम 7:30 बजे रिलीज होगी। अनुपम खेर ने फिल्म दिल बेचारा के रिलीज होने के पहले सुशांत सिंह को याद कर श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने PR एजेंसियों पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए नकली फॉलोअर देने का आरोप लगाया। फिल्मी हस्तियों के पाकिस्तान और ISI कनेक्शन के दावे पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। खबर है कि सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 14 के लिए एक्ट्रेस नेहा शर्मा और नागिन 4 की एक्ट्रेस जैस्मिन बसीन से संपर्क किया गया है। फिल्मी दुनिया से भाई भतीजावाद विवाद पर नगमा ने कंगना रनौत के बयानों को लेकर उन पर निशाना साधा।